11 अगस्त 2022, ये तारीख मेरे दिल के बड़ी करीब है क्योंकि इस दिन एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई थी जिसे शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाला। मैंने एक ट्रिप प्लान करी थी यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ वैली ऑफ फ्लावर्स, हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ की। इस ट्रिप का स्टार्टिंग पॉइंट ऋषिकेश था, जहां हम एक दिन पहले 10 अगस्त को ही पहुंच गए थे और अगले दिन यानी कि 11 अगस्त को हमारी जर्नी स्टार्ट हुई बेस कैंप ऋषिकेश से जोशीमठ तक की। कहने को तो ये एक 10 घंटे लंबी रोड ट्रिप है, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी रोड ट्रिप नहीं है, ये है उत्तराखंड में मॉनसून की रोड ट्रिप। इस रास्ते पे खूबसूरती आपको कहीं ढूंढनी नहीं पड़ती, खूबसूरती हर समय आपकी आंखों के सामने होती है। उत्तराखंड के 5 मेन प्रयाग हैं, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग के अलावा चारों प्रयाग इसी रास्ते पे आते हैं और विष्णुप्रयाग अगले दिन जोशीमठ से गोविंद घाट वाले रास्ते पे आते हैं। तो अभी हमने अपना फर्स्ट ब्रेक लिया है देवप्रयाग में और यहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम हो रहा है। ये वाली जो है वो अलकनंदा है और ये वाली भागीरथी है, और क्या नज़ारे हैं यार यहाँ पे। तो देवप्रयाग से निकलती 5 मिनट में हमारी बस का टायर पंचर हो गया था। तो अभी एक और स्टॉप लिया है हमने, ये गरुड़ गंगा नदी है यहाँ पे। अभी आगे यहाँ थोड़ी सी लैंडस्लाइड हो गई थी, तो अभी हम लोगों ने अपना लंच ब्रेक लिया है और ये जगह जो है ये कर्णप्रयाग से थोड़ी सी आगे आगे है। रास्ते में हमें कोई वाटरफॉल या कोई सुंदर सा व्यू पॉइंट दिखता था तो हम रुक जाते थे, और इसीलिए इस जर्नी को कम्प्लीट करने में हमें 10 नहीं बल्कि 12 घंटे लगे। इन नजारों को तो बस बैठ के देखते रहो यार। वेलकम टू जोशीमठ। तो गाइज अभी हम जोशीमठ पहुंच चुके हैं और हमने ऋषिकेश से सुबह 5 बजे स्टार्ट की थी अपनी जर्नी और हम शाम को 5 बजे जोशीमठ पहुंचे हैं। एक्चुअली ये जर्नी 9-10 घंटे लंबी जर्नी है, बट हम लोग एक्चुअली रास्ते में 5 बार रुके थे। हमारा एक बार बीच में टायर भी पंचर हो गया था, फिर हम देवप्रयाग में रुके थे, फिर ब्रेकफास्ट लंच करने के लिए रुके थे, तो हमें करीब 12 घंटे लग गए थे। और अभी बस आए हैं हम लोग यहाँ पे, थोड़ा स्नैक्स वगैरह लिए हमने और अभी एक मंदिर जा रहे हैं हम लोग। यहाँ का है नरसिंह मंदिर एक, जो आपको उसकी पूरी स्टोरी में आगे चल के बताता हूँ मैं। नरसिंह मंदिर जोशीमठ का सबसे इम्पॉर्टेंट मंदिर है और इस मंदिर की हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह भगवान को समर्पित इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में मौजूद नरसिंह भगवान की राइट एल्बो हर रोज़ थोड़ी थोड़ी श्रिंक होती जा रही है, और जिस दिन ये एल्बो पूरी तरह से श्रिंक हो जाएगी तो उस दिन जोशीमठ में एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड आएगी, जिसके बाद से बद्रीनाथ तक जाने का रास्ता पूरी तरह से इनएक्सेसिबल हो जाएगा और बद्रीनाथ मंदिर के आइडल भविष्य बद्री में शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि जोशीमठ से करीब 20 किलोमीटर दूर है। इतना ही नहीं, विंटर्स के टाइम पे बद्रीनाथ मंदिर के आइडल को भी यहीं लाया जाता है और नरसिंह भगवान के साथ बद्रीनारायण भगवान की पूजा भी यहीं से होती है। बहुत ही पीसफुल और डिवाइन एनर्जी है इस जगह की, तो अगर आप भी कभी जोशीमठ आते हैं तो इस मंदिर में आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। शाम तक अपने गेस्ट हाउस पहुंच के डिनर और बॉर्नविटा लेने के बाद हम लोग थोड़ा जल्दी सो गए थे। कल की जर्नी थोड़ी लंबी है और शरीर को थोड़े आराम की जरूरत है। तो आज भी हम सुबह थोड़ा जल्दी उठे हैं और उगते सूरज के साथ इस चाय का आनंद ले रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ देर हमने इन वादियों को निहारा, कैंप लीडर ने हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए एंड देन इट वाज टाइम टू लीव। लेट्स गो। तो सबसे पहले हम जोशीमठ से गोविंद घाट पहुंचे, जो कि करीब 1 घंटे लंबी जर्नी है, और हाँ विष्णुप्रयाग भी इसी रास्ते पे आता है।
गोविंदघाट पहुँच के आपको हेलीकॉप्टर और खच्चर की फैसिलिटी भी मिल जाती है। और ट्रैक के यहाँ दो ऑप्शंस हैं, या तो आप सीधे गोविंदघाट से घांघरिया का 14 किलोमीटर लंबा ट्रैक कर सकते हैं, या पुलना तक की शेड कैब ले सकते हैं और पुलना से घांघरिया का 10 किलोमीटर लंबा ट्रैक कर सकते हैं। अब क्योंकि हम सब समझदार थे और समय की अहमियत को भी समझते थे, तो हमने पुलना तक की शेड कैब ली और अपना एक्चुअल ट्रैक वहीं से स्टार्ट किया। पुलना पहुंच के अपना रक्सैक हमने खच्चर के थ्रू भिजवाया और करीब 9:30 बजे अपना एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट किया। तो फाइनली अभी हम लोगों ने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है और हम लोग अपना ट्रैक पुलना विलेज से स्टार्ट कर रहे हैं और गोविंद घाट से पुलना तक हम लोग कैब में आए थे और अब यहाँ से घांघरिया तक का 10 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। और आज काफ़ी धूप है यार, एकदम कल तक पूरा क्लाउड्स था, बहुत सही मौसम था कल तक, बट आज एकदम क्लियर वेदर है और बहुत तेज़ धूप लग रही है, बट होपफुली आगे जाके थोड़ा सा क्लाउडी हो जाएगा। तीन किलोमीटर का ट्रैक हो गया है पर अभी 7 किलोमीटर का हो रहा है, लेकिन धूप अभी तक कम नहीं हुई है, तो बहुत बहुत मेहनत लग रही है आज वाले ट्रैक में। जी हाँ भैया, इस कड़कती धूप में इस ट्रैक को करने में और आपके लिए इस वीडियो को बनाने में, दोनों ही काम में मेहनत तो बहुत लगी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी काम में अगर आपका दिल लग जाए तो वो काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो उसके प्रोसेस को आप ज़रूर इंजॉय करते हैं। बीच में कुछ देर रुक कर इन नज़ारों को निहारना हो या कहीं बैठ के लाइफ के कुछ किस्से शेयर करने हो अपने नए दोस्तों के साथ, मैंने तो इस ट्रैक को पूरा इंजॉय किया है। थोड़ा आगे जाके हमें लक्ष्मण गंगा नदी भी मिलती है जो कि ऊपर हेमकुंड साहिब से आती है। इस नदी के ऊपर बने ब्रिज को क्रॉस करके ही हमें आगे जाना होता है। यार कंटिन्यूसली रास्ते में ऐसे घोड़े वगैरह चलते रहते हैं तो बड़ा ध्यान से चलना पड़ता है आपको ये बता रहा था मैं, बड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। अब घोड़े जब तक हमारा सामान लेके चले तब तक कन्वीनियंस है और जब हमारे साथ चलने लगे तो इनकन्वीनियंस। खैर घांघरिया अब आने ही वाला है, लेकिन वैली का माहौल अब थोड़ा बदल चुका है। हमें 6:30 घंटे हो गए हैं ट्रैक शुरू करे और घांघरिया अभी भी थोड़ा दूर हो रहा है, बट यहाँ से अब वैली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है और यहाँ कैंप साइट्स भी शुरू होने लग गई हैं। बाकी घांघरिया अभी 700 मीटर हो रहे हैं, आई थिंक मैक्सिमम 15-20 मिनट और लगेंगी और फिर वहाँ जाके बहुत मज़े आएंगे। आज कल जाएंगे फिर हम वैली ऑफ फ्लावर्स और आज हम टाइम से पहुँच गए हैं, देखते हैं इवनिंग में थोड़ा अच्छी फोटोग्राफी वगैरह करेंगे यहाँ पे और अभी बस इन व्यूज़ को एंजॉय करते हैं थोड़ी देर। आज के पूरे ट्रैक का ये सबसे सुंदर व्यू पॉइंट है, हेलीकॉप्टर्स भी आपको यहीं ड्रॉप करते हैं और घांघरिया विलेज के स्टे ऑप्शंस भी यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। अब इस जगह पे हमने कुछ 1 घंटे तक फोटोग्राफी करी और उसके बाद करीब 15 मिनट में हम अपने गेस्ट हाउस पहुंच गए। तो फाइनली 7.25 घंटे लग गए हमें यहाँ तक पहुंचने में, बट बहुत मजे आए, बट थक भी गए थोड़ा सा, तो अभी सामान वगैरह रखते हैं, थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, नीचे जाके थोड़ा स्नैक्स वगैरह करेंगे और फिर देखते हैं कुछ यहाँ पे व्यूज़ वगैरह उनको एंजॉय करेंगे, कुछ फोटोग्राफी करेंगे। हम लोग अपने गेस्ट हाउस पहुँचे ही थे कि किसी ने हमें बताया कि यहाँ पास में एक बहुत सुंदर सा गुरुद्वारा भी है, तो हमने सोचा कि जब इतना आगे तक आ ही गए हैं तो गुरुद्वारे में भी मत्था टेक कराते हैं। अभी गुरुद्वारे से आए हैं, बहुत ही सुंदर था गुरुद्वारा और अभी लंगर में जा रहे हैं हम प्रसाद लेने के लिए। गुरुद्वारा कैसा लगा? बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है, लंगर भी बहुत अच्छा था, प्रसाद भी अच्छा था।
हाँ जी, तो आज का दिन यहीं पूरा होता है और अभी हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया है और अभी बस हम लोग अपने रूम पे आ गए सोएंगे अब, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है और हम लोग रोज़ सुबह जल्दी उठ रहे हैं। काफ़ी लंबा ट्रैक था, आज भी काफ़ी लंबा ट्रैक था, बट हम लोग ना ज़्यादा थक नहीं रहे हैं बेसिकली, क्योंकि क्या है ट्रैक्स बहुत लंबे हैं, फिजिकली थोड़ा बहुत थकान होती है, ज़्यादा नहीं होती, बट व्यूज़ इतने सुंदर है ना कि मेंटली हम लोग नहीं थक रहे बिल्कुल भी, मेंटली हम लोग ऑलवेज फ्रेश हैं कि अब और कर लेंगे, बहुत मज़ा आ रहा है इन ट्रैक्स में। आज के पूरे दिन हमने इन नज़ारों को एंजॉय किया है और अब कल हमें वैली ऑफ फ्लावर्स जाना है, परसों हेमकुंड साहिब और उसके अगले दिन बद्रीनाथ। कहानियाँ भी काफ़ी लंबी है और थोड़ा सा सब्र कीजिए, अगले वीडियो में इस कहानी के अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। टिल दैट टाइम गुड बाय।